सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो, इससे पहले जो मेरा पहला ब्लॉग था उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो मेरी नई वीडियो आने वाली है दुर्गा पूजा के ऊपर, आप लोग उस पर और भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, अभी रेडी होऊंगा और उसके बाद फिर आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जो मेरा खुट्टाडी है, खुट्टाडी में मतलब हम लोग का लोकल एरिया है, सो वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर पांडेश्वर मदारबनी उधर होते हुए जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं अब खुट्टाडी। सो ये है खुट्टाडी कोयलेरी का मेन एंट्रेंस और यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है, मतलब पंडाल कैसे बनाए गए हैं। ये देखिए लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है और अब हम लोग और अंदर चलते हैं यहाँ पे। खुट्टाडी कोयलेरी का पंडाल बिल्कुल ही गोल्डन कलर में, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इसका पूरा व्यू और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे पांडेश्वर फूल बागान, ठीक है, तो वहीं मिलेंगे। सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं फूल बागान और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे लोग घर से ही नहीं निकले हैं, लेकिन कोई नहीं, यहाँ भी गोल्डन कलर का पंडाल बनाया गया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे मदारबनी, सो वहीं मिलेंगे अब। सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं मदारबनी और ये है मदारबनी का पंडाल यहाँ पे, और सामने जाएंगे हम लोग। एंड यहाँ पे भीड़ कुछ हद तक ज़्यादा लग रही है फूल बागान के मुकाबले। यहाँ पे देखिए बहुत सारी दुकान भी हैं, शॉप्स हैं, आइसक्रीम का है यहाँ पे और उधर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ झूला भी लगा है। सो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पंडाल की तरफ और सामने। देखिए ये पंडाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और वेस्ट बंगाल की यही खासियत है कि पंडाल बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। ये देखिए सामने से मूर्ति, एंड देखिए मूर्ति भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे अंदर साइड में। एंड ये देखिए सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो, और यहाँ ऊपर साइड में देखिए एक झूमर भी लगाया गया है। सो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो बाहर का ये जो सीन है, ये जो व्यू है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पे वो देखिए वो झूला जो उसे तारामाची बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते होंगे। एंड ये देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पता नहीं कितनी मेहनत की इन लोगों ने। कहाँ से आते हैं? सो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे खिलौने के हैं और देखिए बारिश की वजह से यहाँ भीड़ तो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा आई थिंक लॉस ही हो रहा है। और ये देखिए टेडीज़ हैं, गन्स हैं, टॉयज़ हैं, गाड़ियाँ हैं और ये दुकान यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबी कतार है, इनकी देख सकते हैं आप। देखिए ये है ब्रेक डांस और ये देखिए मेरे फ्रेंड ने टिकट कटा लिया है, सो हम लोग अभी जाने वाले हैं इसके ऊपर, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखिए इसे क्या हुआ है।
सो फाइनली अब हम लोग हैं मधाईपुर में, और इसके बाद अब हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वीडियो बस यहीं तक ही एंड करनी पड़ेगी मुझे। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ये देखिए मधाईपुर कोयलेरी का पंडाल, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अंदर देखते हैं मूर्ति कैसे। सो ये देखिए मूर्ति बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंपल और परफेक्ट मूर्ति है यहाँ पे। और अब गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा मुझे। सो अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।